दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से ओलम ट्रेड ऐप में अपना पैसे को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप लोग भी ओलम ट्रेड ऐप में पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा कि किस तरह से ओलम ट्रेड ऐप में अपने पैसे को ऐड करते हैं और उसके बाद यहाँ से किस तरह से ओलम ट्रेड ऐप में ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं। तो उसके लिए आपको ओलम ट्रेड ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से देखने को इंटरफेस मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको पैसे ऐड करने के लिए सिंपली सा आपको ऊपर एक वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको वॉलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अपने वॉलेट को ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जैसे कि चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला डिपॉजिट का और दूसरा विड्रॉल का और तीसरा ट्रांसफ़र का और चौथा ट्रांजेक्शन का। तो आपको क्या करना है, पैसे ऐड करने के लिए आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगी। तो आप यहां से पैसे ऐड कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा डिपॉजिट अमाउंट का, उसके बाद पेमेंट मेथड, उसके बाद इकोनॉमिक डिपॉजिट, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, उसके बाद प्रोमो कोड का। तो आप यहां पर कितना पैसा डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप जितना पैसा भी ऐड करना चाहते हैं वो यहां पर आपको डालना है, नहीं तो अगर आप इनमें से सेलेक्ट करके डालना चाहते तो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब अपने पैसे को कौन सा बैंक से यहाँ पे पैसे को ऐड करना चाहते वो बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना UPI को सिलेक्ट कर लेता हूँ और UPI को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फाइनली कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डालना है, जैसे कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद आपको जो यानी ATM कार्ड है उसका यहाँ पे VPN नंबर, उसके बाद आपका यहाँ पे फोन नंबर, उसके बाद नीचे मिल जाता है आपको फर्स्ट नेम एंड आपका लास्ट नेम। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आ जाने के बाद आपको प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक QR कोड को स्कैन दिया गया है जिसको पे करना है फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से। तो आपको इसको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद आपको अपना UPI पिन डालकर चाहे गूगल पे चाहे फोन पे से, उसके बाद आपको जितना अमाउंट है वो तो सिलेक्ट ही रहेगा, उसके बाद UPI पिन डालकर ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका पैसा यहाँ पे ओलम ऐप में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने पैसे को ओलम ऐप में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से ओलम ऐप में पैसे को ऐड करते हैं। सीख लिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें।